नमस्कार, गुड मॉर्निंग अर्गो सुपरफास्ट सहित मु स्वप्ना आरंभ करबा। आजिर खबर अभियान, ममिता मेहर मर्डर मामला वोट चारिटारे करागला पूरा क्राइम रो सीन रिक्रिएशन। अभियुक्त गोविंद साहू देखाइला डेमो। पुलिस छाउणी रे प्रथमे गोविंद को घटनास्थल तथा ममिता मृतदेह उद्धार होइतिबा स्थान को निया जाइतिला। सेठारे ममिता को हत्या परे किपरी पोत्ती पोड़ी देइतिले तार डेमो देखाइछि अभियुक्त। महालिंग स्टेडियम रे प्राय 10-15 मिनिट धरी चालीथिला सीन रिक्रिएशन। उत्तरांचल डीआईजी और बलांगीर एसपी को उपस्थिति रे डेमो देखाइला गोविंद। तबे जहां आपण विजुअल देखुचंती ममिता मेहर मर्डर मामला रे आज भोर 4टा रे करागला पूरा क्राइम रो सीन रिक्रिएशन। तबे एनी अधिक सूचना देबे हम प्रतिनिधि संतोष जेना सेठारे उपस्थित अछंती। संतोष, तबे जेउ अंचलवासी नुह पूरा राज्यवासी रे हईचई सृष्टि करितिबा बहु चर्चित ममिता मेहर मर्डर मामला आज भोर 4टा रे अभियुक्त को क्राइम स्पॉट को निया जाइथिला एवं सेठारे से किपरी ममिता को पोड़ी सेठारे पोती दिया जाइछि सेने डेमो मध्य देखाइछि। अधिक कोन अपडेट आछि एवं जेउ ममिता को मोबाइल रे अनेक तथ्य रहितिबा कथा कह जाउछि, तबे मोबाइल नै अधिक किछि अपडेट आछि कि मोबाइल मिलिछि कि आउ कोन सब अपडेट आछि घटनास्थल रु? संतोष देखु स्वप्ना, आज भोर 4टा रे अभियुक्त गोविंद साहू को महालिंग कॉलेज को नियाता एवं जोठी से मर्डर करितिला से जगह को जाइथिला अर्थात क्राइम स्पॉट को जाइछि क्राइम सीन को रिक्रिएशन करिछि। घटनास्थल रे डीआईजी दीपक कुमार तांको सहित एसपी तांको सहित कलाहांडी एवं बलांगीर रो किछि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने उपस्थित थिले एवं लगातार भाव रे जो चर्चा आलोचना जोर धरिथिला जे ममिता को किभळ भाव रे से हत्या कला ए घटना रो क्राइम सीन रिक्रिएशन करिया पई गोविंद साहू को खूब शीघ्र महालिंग कॉलेज निकट को निया जइबो एवं ता वर्तमान समय रे सरी सारिछि। सकाळु अर्थात भोरु भोरु ताकु निया जाइथिला घटनास्थल को एवं पूरा कड़ा सुरक्षा बल भितर कलाहांडी पुलिस बलांगीर पुलिस रो मिलित उद्यम रे ए गोविंद साहू को नियागला। एवं आपण जो मोबाइल प्रश्न पचारुथिले मोबाइल वर्तमान सुधा मिली पारिनी पुलिस को एवं पुलिस एक कथा कहुछि काली डीआईजी प्रेस मीट रे तांकर कहिसंती जे तथ्य प्रमाण नष्ट करबा पई टायर एवं डेस्क बेंच को जाळी पोडी दैछंती एवं जेसीबी रे खंड खंड करी ममिता को खंड विखंड एवं यहाँ कथा आसुला जे आशा करा जाउछि जे मोबाइल को भी गोविंद साहू पोड़ी दे थाई पारे बोली पुलिस सन्देह करुछि कहीं पुलिस को एजाबत मिली पारिनी मोबाइल। किंतु एबे देखंतु जे पुलिस रो तदंत को नै एबे अनेक प्रश्न उठिलानी गोटिए पटे जोटी जो थाना आईआईसी केस रखिलेनी से थाना आईआईसी के गाँ थाना आईआईसी को सस्पेंड कर दिगला किंतु जो थाना आक्यूज रहा जोटू अपराधी फेरार है से थाना आईआईसी एबे केस तदंत कर गोटे पटे मोबाइल रे किसी बड़ बड़ लोकंर वीडियो थी कथा सामना को आसूला किंतु पुलिस कहे से मोबाइल गुड़ी को तरली जाइए हे तो ताकू पोड़ी दि जाए पारे एमती अनेक घटना मन भितर बर्तमान समय उंकी मारूँ जे राति अधिया भोरु कहीं सीन रिक्रिएसन कराया नौ लोक गणमाध्यम को कहीं पुलिस भय कर बड़ कथा हो ममिता घटन गोराष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र भाई बड़ लोक ना ए छंदी जाइए ए घटनार स्पष्टता पुलिस किसी दे कि जो मैंने सेक्स राकेट झील चोरा चलाण और जो उपभोगशाला जो मान दायित्व नहीं थे जो मैंने बड़ बड़ लोक झील जगाऊ से कौन संप्रति अच्छी ए कथ को पुलिस कौट ना कौट चणदेखा करपर्यंत सामना को आनी पारिना ये सब भितर अपेक्षा कर समय को जितेबाला डीआईजी गोटे पर गोटे प्रेसमिट कर सत कितु एजावत गोटे क्राइम केस्रे मन संतुष्टि भाई अर्थात आम को क्राइम सीन एवं क्राइम प्लट एवं क्राइम रूरा सीन न डीआईजी सामना को आणु नाहांती एवं घटनार सुपरविजन डीआईजी निजे करुछंती एवं तांको सहित एसपी अछंती एवं जो डीएसपी बट्ट मिश्र से वर्तमान केस्र आयु अच्छा जे तदंत कर बलांगीर पुलिस 9-9 टीम गठन कर तथ्य प्रमाण साउटुची एवं जो केतेज ना गोविंद साहू सीधा सीधा जेरारे जो मान नहीं बर्तमान समय पुलिस इंट्रोगेट कर लोक अटक रखी आप जानते सूचना देते मुख्य अभियुक्त जी गोविंद साहू रही सी अनेक लोक संप्रति पुलिस आगे बयान दे
तेबे केवल गोविंद साहु ही डेमो रिक्रिएशन पई जाइछंती एवं आउ आगु को कहा को डेमो रिक्रिएशन पई घटनास्थल को निया जाई पारे कि काहेकि ना घटना रे मध्य ममितांको मोबाइल ए पर्यंत हस्तगत करा जाय नै मोबाइल को मेल कर दिया जाइछि बोली जहां अपडेट आछि तेबे मोबाइल रे मध्य अनेक तथ्य सामना को थिबा चर्चा हेउछि एवं एथिरे कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रंक हाथ अछि बोली मध्य बीजेपी सीधासळक अभियोग आणछि एवं ता प्रतिवाद रे गतकाली बलांगीर मध्य 12 घंटिया बन्द डाकरा मध्य दिया जाय छि डेमो आउ कहा को नै घट क्राइम स्पॉट को निया जाय पारे कि देखंतु स्वप्ना क्राइम इन्वेस्टिगेशन कहुछि जे मेन अक्यूज अर्थात जे हत्याकारी जे हत्या करिछि तांको संख्या हाउछि जणे कुआ गला जे वाग्नर कार भितरे गोविंद साहू प्रथमे ममितांकु कहिला जे ममिता जे कोनोसी तथ्य प्रमाण तुम पाखरे अछि सेटा जेमिति भाइराल न हुए मु बनेथिबा इज्जत जेमिति माटीर नमिसे एते बड़ अनुष्ठान दायित्व रे ममिता अछंती किंतु काहेकि तांकु बदनाम करिया पय चेष्टा करचंती किंतु ए कथा रे ममिता राजी हे नथिले कला साम्राज्य रो कला कथा कु समस्तक सामना को आनिबा पय जी धरितले अडी बसितले जो कथा ममितांकु काळ करथिला एवं जो कथा ममितांक पय काळ साजिथिला परे गाड़ी भितरे तंटी चिपी ममतांकु ममितांकु हत्या करथिला गोविंद एवं परवर्ती मुहूर्त रे हत्या करि सारिबा परे सहयोगी राधेकु डाकिथिला एवं अन्य मानकु डाकिथिला किभली भाबरे ताकु पोताजिव किभली भाबरे ताकु पोडाजिव प्रमाण किभली भाबरे नष्ट करा जिव ए घटना कु विशेष भाबरे गुरुतारोप करि अन्य मानकु शामिल करथिला जेहेतु मुख्य अभियुक्त गोविंद एवं जेहेतु मुख्य कारपोरदार गोविंद गोविंद पछरे अनेक लोक थाई पारंती गोविंद कु अनेक लोक सहाय्य परवर्ती मुहूर्त रे करि थाई पारंती किंतु ये सब जिनसर मुख्य अभियुक्त हूँ गोविंद साहू जो गोविंद साहू को पुलिस गिरफ करापुर ही सीन रिक्रिएसन कर सीए कही कथा अटक रखा जा कथा और राधे कही कथा को पुलिस समस्त सहित सामंजस्य कराई मेल कराई जो निष्कर्ष बाहरी क्राइम स्पॉट को लेकिन क्राइम सीन रिक्रिएसन से कथा जब सामना को आसी बोध हुए आउ क्या पुलिस क्राइम स्पॉट को लेकिन जवा असंभव कहीं गोटे थर ही क्राइम सीन रिक्रिएसन कराए जे मुख्य अभियुक्त सीए ही क्राइम रिक्रिएसन करिबो एवं सीए ही पूरा क्राइम रो ठिकणा कहिबो एवं ताकू को माने सहयोग करथिले से केमिति कोन सेठी अपराध घटेथिला अपराध घटेबा समय ता पाखरे के उपस्थित थिले ताकू के सहयोग करथिले एवं ताकू साहस के देथिले एक कथा सामना को आनिबो एवं सीन रिक्रिएसन हे सारिबा परे एबे गोटिए बड कथा जे अपराधी पछरे के अपराध केउठु साहस पाइला एवं अपराधी पूर्वरु केउ केउ अपराध करिछि एवं जो बड बड लोक ए घटना रे जोडी हेचंती सेमाने किभली भाबरे सामना को आसिबे एवं गोविंद को सहायता करथिबा गोविंद सहायता करथिबा लोकंकर किभली पर्दाफाश हेबो ए घटना को पुलिस भाव निश्चित भाव दृढ़तार सहित देखार अच्छी ए घटना को विशेष भाव फोकस कर आवश्यकता अच्छे किंतु पुलिस केवल गोविंद साहू राधे और अटक रखि लोक एवं सीन रिक्रिएसन पाखे अटकुची एपर्त स्कूल घोटाला कौन जो स्कूल प्रिंसिपाल को नहीं यह घटना घटला स्कूल पचरे कौन होता स्कूल प्रिंसिपाल कौन जानते स्कूल प्रिंसिपाल कौन भाइराल करा चाहूँ एक केवी स्पष्ट भाव में कौन प्रकार पुलिस कही पारना निहत भाव में सीन रिक्रिएसन सरपुर आशा रही जे जो बड़ बड़ लोकों ना ए जोड़ी पुलिस से घटना को सामना को आणु कहीं के गाँ थाना आईएसी को ये सस्पेंड करा जो थाना चंपट मारी टिटलागढ़ थाना जे से आईएसी वर्तमान केस्र तदंत कर स्पेशल टीम सामिल होती गोटे अजब कथा और अजणा कथा जे समस्ते जा सारे एक कथा जे आउ क्या अजणा है कि ना जे पुलिस कोटना कोटि चापर रोच पुलिस गोटे बड़ इंस्ट्रक्शन को भित्त करके से कम करडर जहाँ आसूसी से कम से सूचना देउथले भोर चारिटारु सीन रिक्रिएशन सरिची एवं मुख्य अभियुक्त जी गोविंद साहू अनेक जनक नाम मध्य नेइचंती एवं सेमाने मध्य तदंत परिसरभुक्त होइचंती किंतु संतोष एठारे एक प्रश्न उठुची केवल मुख्य अभियुक्त जी गोविंद साहू गिरफ होइची सत किंतु ए सेक्स रैकेट पछरे जो नेता मंत्री कथा सामना को आसची सेमानंकु तदंत परिसरभुक्त करा जीव कि कहीं पूर्वरु मध्य मंत्री अरुण साहू कथा कहतु किंबा महांगा डबल मर्डर केस रे मंत्री प्रताप जेना कथा कहतु एवं गजपति सौम्यरंजन महापात्र केस रे विक्रम केसरी आरोप कथा कहतु एवं वर्तमान बलांगीर रे जहां उठुची प्रश्न कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रों कथा से समस्त को कहीं तदंत परिसरभुक्त करा जाए नहीं आमे कौन आशा करा जाए पारिबो कि कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रों को तदंत परिसरभुक्त भुक्त करा जीव ए मामला रे
देखो कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा वर्तमान राजनीतिक दल मैंने मागुच्च आईपाई मागुच्च गृह विभाग मुखिया पर गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र अच्छा इशारा ये सब कम होते गृहराष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर ना गोटे अपराधर अभियोग रे जगार डीजी डीआईजी एसपी आईआईसी एसडीपीओ डीएसपी एम ठीक भाव में तदंत करेंगे एक कौटना कौटी आमको भूली जावाक पड़ो एक समस्त जानते सुपरियर अधिकारी होती कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र एवं जितेबाला आमर सीनियर आमर बॉस जितेबाला अपराध करमे कि आसवा आणवा एक केवे भी असंभव यहाँ आम समस्ते जानते गृह राष्ट्रमंत्री निज आड़ नीति नैतिकता दृष्टि ना सांघातिक अभियोग जेहेतु आसला से निहत भाव में इस्तफा देदेवा कथा और अति कम्रे पुलिस को खोला हाथ में छाड़देवा कथा जे प्रकृति में जी दोषी सी दंड पाऊ कहीं आप देखूँ गृह राष्ट्रमंत्री सीधासख अभोग न आसिले भी यहीपाई अभियोग आसूसी से निजे कहते कलेज छात्री मैंने रातिर पढ़ा दरकार छात्र मैंने रात पढ़ा दरकार कलेज को आसे मत यंग यंग फिल हुए कलेज को सरकारी अनुदान देवा गोटे घर स्कूल को बड़ बड़ नेता मंत्री को डाकिक आणवा हेलिकप्टर में सरकारी टंका खर्च कर प्रोग्राम जोगदे निहत भाव में अहेतुक अनुकंपा थी गोविंद साहू को प्रति और कौटना कौटी दुर्बलता थी सनसाइन पब्लिक स्कूल प्रति जो से दर्द भरा कथा कहते हैं अनेक गुड़े गप शुणाऊ समस्त कितु यह पचरें जे सेक्स राकेट जीओ चलाण एमती उपभोगशाला रंगीन राति कथा कहुला बिना एस्कॉर्ट गाड़ी से एकाएका जाते राति जापन करुते एक कई बर्तमान सुधा सामना को आणु ना निहत भाव में एक आम आशा करता जदि सामना को अणा तो कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र को तदंत परिसरभुक्त हो सब कथ आदाय हो प्रकृत में से स्कूल चलता कौन ममता मेहर प्रिंसिपाल हिसाब से कौन जाने से क्यों कथापाई गोविंद को डराउ गोविंद कहीं डरूला केवल परक्रिया प्रीति ना स्कूल कारण थी परक्रिया प्रीति हुए तो गोविंद साहूर कौन प्रकार ममिता जाणि न थी पारे कहीं ममिता एवं स्कूल मालिक स्कूल ता सहित कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र एम कौटे सामंजस्य ना सामंजस्य समस्त भितर आसूसी प्राइवेट स्कूल सनसाइन स्कूल ये सनसाइन स्कूल में चली कलाकार विषय ये जानते से अध्यापिका भाव में काम करुते से प्रिंसिपाल थे सी ही छात्री मानु किसी शुणी जानते अनेक गुड़े गुमर कथा जानते हैं जो से कंटा साजिले जो पिशाच गोविंद रास्तु हटेदे एक समस्त सामना को आने नदेक चाहूला पर लोके अपहरण अभियोग आने आज गोटे पर गोटे घटना सब सामना को आसुची समस्त पर्दाफाश हो ये सब भितर गोविंद साहू को सीन रिक्रिएशन कराई सत गोविंद साहू जेल जाइए सत राधे जेल जाइए सत एमती कि आहरी पांच रु छ लोक बर्तमान अटक रखिंट पुलिस भितर दोषी जहाँ को चिन्हट कर से जेल जी यापर भी गोविंद साहू पचरे किए और कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र भाई बड़ बड़ लोक कहीं साजोग करते नहीं बर्तमान प्रश्न उठी से जिते शीघ्र तदंत करते शीघ्र तदंत में सामिल कर मुहर सनसाइन पब्लिक स्कूल में चली अनैतिक कारबार सत जब बाहर कर प्रकृत में ममिता न्याय पाइबर स्वप्न निश्चित भाव संतोष आप सूचना देते ममिता मेहर मर्डर मामला आज भोर चारिटे करागला पूरा क्राइम सीन रिक्रिएशन अभियुक्त गोविंद साहू को अन द स्पॉट निया सेठारे से केमी ममिता पोड़ी पोती दि जाता से नहीं अधिक सूचना देते घटनास्थल प्रतिनिधि संतोष जेना आमको अधिक अपडेट दउथले धन्यवाद संतोष आपनको समस्त अपडेट पई आज देशवासी को संबोधन करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन 10टा रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे करिवे संबोधित पीएमओ पक्षरु ट्वीट करी दिया जायछि सूचना 100 कोटी टीकाकरण रे भारत माइलखुंट हासिल करिछि देश 100 कोटी टीकाकरण रो मैजिक नंबर छुइंतबा बळे ए प्रसंग रे कहि पारंती प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर सीआरपी छक दादा बटी को केन्द्र कर उत्तेजना हमदुम पूजा कमिटर पांच जन को खंडारे आक्रमण अभियोग नयापल्ली थाना रे एतला दिया जाइछि आशुतोष बेहरा नामक जने सदस्य आक्रमणकारी कबल खसी जाए नयापल्ली थाना रे फेराद होते प्राय 25 रु अधिक जन संघबद्ध भाव में आक्रमण कर तलवार बार्छा हरिका सब धरिकी आम उप आसिक रड हरिका धरिकी आसिक आम उपर आक्रमण कले आक्रमण कले मो सांग भी जन हो लहुलुआ नहीं आउ दुई तीन जन आमर भी मो सांग भी लहुलुआ नहीं कौन कली मुझे सांगे सांगे हो थाना को दौड़ मैंने अटोरे ये कि थाना को दौड़ी पलि आसली मो चपल भी आज्ञा जेहतु ये मुझे थाना को पलि आसली जेहतु आम कम्प्लेन देपरिया केन्द्रीय कर्मचारी महंगा भत्ता 3% वृद्धि महंगा भत्ता वृद्धि प्रस्ताव को केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन महंगा भत्ता 28% बढ़ी 31% वर्धित भत्ता जुलाई 1 रु पिछला भाव लागू करा जिवो एहा द्वारा केन्द्रीय कर्मचारी
ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ନେଇ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପୋଲିସର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଜିପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନିଜର ଏକ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ୍। କଟକ ଟିମ୍ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆସନ୍ତା ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନୂଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓସିଏ ରଖିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଯଦି କେହି କଟକ ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ବାରବାଟୀ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଭେନୁ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 22ରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସମେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ଏକ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ଗଣିତ। 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ମୋଟ 40 ନମ୍ବର ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। 20 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଓ 20 ମାର୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଖାତା ଦେଖା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ଡାକ୍ତର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୱେଟେଜ୍ ଆମର ରହିବ 30% ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟର୍ମ ୱାନ୍ର ସମୟ। ଟର୍ମ ୱାନ୍ରେ ଆମର 2ଟି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2ଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ନଭେମ୍ବର 2nd ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ତାହା ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ବସ୍ତା ଥାନା ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗାଁରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 2 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ସହ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ମାଫିଆ ଢେଲା ମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କେଉଁଠୁ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ କହିପାରିବା ଲଗାତାର ଯଦି ଆମେ କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯଦି କହିବା ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ବସ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ବସ୍ତା ଥାନା ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 2 କେଜିର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ଗିରଫ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି, ଢେଲା ମାଡ଼ କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଢେଲା ମାଡ଼ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ କହିବା କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦିଓ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କୋଉଠୁ କି ଆସୁଥିଲା ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ରହିଛି, ପୂର୍ବ ଯଦି ଘଟଣାବଳୀକି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବା ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥାଏ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଲାଲଗୁଲା ଭାୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ। ଯେହେତୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ଲଗାତାର ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯେଉଁଥିକି ଜଳେଶ୍ୱର SDPO, ବସ୍ତା SDPO, ବସ୍ତା IIC ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚପଦ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ FIR ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛାପା ମାରୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର SP ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି, ଅଫିସର ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନେତା ହଉ, କୌଣସି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପୁରା ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ରହିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ।
निश्चित भाव गोपबंधु आपड़ी सूचना देते तेज ब्राउन सुगार रोकने कमिश्नरेट पुलिस पक्षर व्हाइट स्पाइडर योजना लागू कर सत्वे माफिया मैंने अति सक्रिय रहउछंती एवं निर्धूम भाव बेफिकर भाव चालाण करुछंती। तेबे गोपबंधु प्रश्न उठुछि जे गाड़ी जबत करिछि जलेश्वर पुलिस से गाड़ी केउंटिका ता नंबर रु किछि जणा पडुछि कि एवं जे तीन जण अभियुक्त गिरफ होइछंती सेमानक निकटरु अधिका किछि अपडेट आछि कि ए लिंक केउठी लंबिछि काहेकि ना एते टंकार ब्राउन सुगर कहबाक गले मासकु अत्यधिक जबत करा जाउछि। देखंतु जदि आमे कहबाय उभय जेते पोता सते अर्थात जेते पुलिस धरुची सेते परिमाणर आवरी धरा पडुची या भितर कहीपरिया जो भाई लिंक कथा कहते यार निश्चित जे पश्चिम बंगरु ओडिशा मध्य को प्रवेश करथवा ब्राउन सुगार बाकी हाँ एमानकर मास्टरमाइंड किए एमानकु किए जगाउथला एमाने कोठु आणुथले एवं कोठिके ट्रांसफर करथांते ए बाबदरे जदिओ वर्तमान सुधा कोनोसी स्पष्टीकरण मिली पारि नाही तथापि आम पाखे जहाँ सूचना रही भुवनेश्वर अंचल को जो रप्तानी कर समय राति प्राय दुईटू तीन टा मध्य स्वतंत्र टीम बालेश्वर पुलिस स्वतंत्र टीम छापा मारी एवं तीन जन को अटक रखिता जदि जड़े खसी जाइए जहाँ आम पाखे सूचना रही जो मफिया मान सहयोगी जो मैंने रही पुलिस गाड़ी को ढेला माड़ कर जन को खसई नहीं जाम पाखे सूचना रही किंतु एपर्त परवर्त तदंत पर जहाँ विभाग आम पाखे सूचना र जे कोठु जाउतला कुआडु आस्तला एवं एमानकर मास्टरमाइंड के स्वप्न निश्चित भाबे जळेश्वर जहां 2 कोटी ब्राउन सुगार जबत होईची एवं घटनारे 3 अभियुक्तों को गिरफ करीची जळेश्वर स्पेशल टीम जहां चढ़ाव करी गिरफ करीची एवं एक गाड़ी मध्ये जबत होईची बेने अधिक सूचना देउथले जळेश्वर प्रतिनिधि गोपबंधु। धन्यवाद गोपबंधु आपनको समस्त अपडेट पाई। ढेंकानाल महावीर रोड रेंज पर्जंग अंचल 45 टिकिया हाथी पल प्रवेश करिछंती। अंचलवासी आतंकित अवस्था थिबा बेले वन विभाग पक्षरु हाथीको उपरे नजर रखा जाइछि। हाथी पल चाष नष्ट करिबा आशंका थिबारु चिंतारे अछंती चासी। गंजाम सोरडा ब्लॉक गोच्छा पंचायतर विभिन्न गांव 17 टिकिया हाथी पल प्रवेश करिथिबारु लोके आतंकित। हाथी पल फसल नष्ट करुथिबा बेले वन विभाग पक्षरु हाथी घोड़ाइबा कौन पदक्षेप निंचलवासी अभोग करपरिकी हाथी गांमुहां होता बेले डाकबाजी जंत्र माध्यम सूचना दिजाइनता पर वन विभाग कर्मचारी घटनास्थल में पहुंची फसल क्षयतिर आकलन करने क्षतिपूरण प्रतिश्रुति। सुंदरगढ़ कुत्रा ब्लॉक कटक माटिनीपड़ा गांव में महुमाछी आक्रमण में 15 जन आहत। जड़े वृद्धा शव सत्कार जीवा समय महुमाछी आक्रमण करते आहत तो होता 15 जन को कुत्रा गोष्ठी स्वास्थ्यकेंद्र में भर्ती करा किछिदिन तले पानपोस पंचायत में महुमाछी आक्रमण में बापा और झीवर मृत्यु होता। वर्तमान बुलेटिन समय सरी विदाय दिंतु नमस्कार।